सबसे पहले जब हमने यहाँ पे 100 डाला था, 100 एंटर किया, और नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अंडू का, तो हमने यहाँ पे अंडू किया। तो अंडू करने से क्या होगा कि वो जो आपकी लाइन है वो बेसिकली रिमूव हो जाएगी। तो मैंने अगेन 100 डाला, हम ऊपर गए 50, देन अगेन 100 एंड डाउन जाएंगे 50। ठीक है, सो इसके बाद क्या था कि अब जैसे यहाँ पे क्या है, डायमेंशन बहुत छोटी आ रही है, मुझे इसका स्केल चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जब हम डायमेंशन लगाते हैं, डी आई एम एंटर फॉर डायमेंशन, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, देन क्लिक करा थर्ड पॉइंट। अभी ये आ रहा है कि डायमेंशन बहुत छोटे स्केल पे आ रही है, अगर मुझे इसका स्केल चेंज करना है तो हम डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, देन डबल क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे, या अदरवाइज आप कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आपने यहाँ पे दिया है इसमें 1, तो 1 पे क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे मैं 1.5 डालती हूँ, यानी मीटर्स में। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो मीटर्स में काम कर रहे हैं, डेसिमल में। ठीक है, सो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि डायमेंशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, बट जब हम डायमेंशन लगा रहे हैं तो डायमेंशन हमने इसको डबल क्लिक करके चेंज किया है, और इसको भी अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1.5, इस तरीके से स्केल बड़ा हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको परमानेंटली बड़ा रखूं, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है डी एंटर, डी एंटर फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पर जब हमने क्लिक करा, क्लिक टू मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद सिंबल एंड एरो पे जाएंगे। सिंबल एंड एरो में सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपना एरो चेंज करना है, तो आप यहाँ पे अपना एरो जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली लेते हैं, आर्किटेक्चर टिक लेते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहो तो डॉट ले सकते हो, आर्किटेक्चर टिक ले सकते हो। देन टेक्स्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे फिट पे जाओगे। फिट पे आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, यूज ओवरऑल स्केल ऑफ में यहाँ पे आपने डाल दिया 10, देन ओके करा, सेट करेंट क्लोज। अब मैंने इतना तो कर दिया, बट ये जो स्केल था ये तो एडिट हुआ था, इसीलिए ये बड़ा हुआ है। बट अगर मैं अगेन यहाँ पे 100/50 का बनाती हूँ, डाउन जाते हैं 50, यहाँ पे हमने स्केप कर दिया। फिर डेम कमांड लेंगे, यानी डायमेंशन कमांड लेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन क्लिक टू थर्ड पॉइंट। ऑटोमेटिकली साइज बड़ा हुआ है। इस तरीके पे हमने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, स्केल चेंज किया था, तो हमारे पास जो स्केल फैक्टर है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि जो वैल्यू आई है वो इंक्रीज होकर आई है। उसके बाद ये तो हमारा लाइन कमांड हो गया। उसके बाद हम जाते हैं पॉलीलाइन पे, पी एल एंटर फॉर पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का जो बेसिकली यूज है वो बेसिकली यहाँ पे क्या, हमने फर्स्ट पॉइंट दिया, हम आगे डायरेक्शन में गए 100, डाउन जाएंगे हम यहाँ पे 50, देन अगेन हम डाउन अगेन यहाँ पे राइट से लेफ्ट साइड में जाएंगे 100, देन ऊपर जाएंगे हम 50, एंटर एंड स्केल। अब लाइन और पॉलीलाइन में जो फर्क होता है वो बेसिकली क्या है कि लाइन हमारा प्रॉपरली अनकनेक्टेड होते हैं, यानी अनब्रेक लाइन है कि हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो रही है। अगेन मैं लाइन बना लेती हूँ, एक साइड मेरा पॉलीलाइन है और एक साइड लाइन है। तो हमने यहाँ पे लाइन कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट दिया 100, अपर गए 50, गेन 100, देन 50। अब दोनों में क्या फर्क है कि हमने जब पॉलीलाइन ली है तो पॉलीलाइन क्या है कि कनेक्टेड पॉइंट्स है, यानी कि कनेक्टेड लाइंस है, बट लाइन मेरा अनब्रेक है। ठीक है, ब्रेक लाइन है, और इसमें हमने जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये वन टाइम में चारों कनेक्टेड सिलेक्ट हो रहे हैं, बट इसमें क्या है, लाइन में ये अनकनेक्टेड है, तो ये अलग अलग से सिलेक्टेड हो रहे हैं इसके अंदर। सो इसके बाद क्या है कि मुझे इसको एक्सप्लोड करना है, यानी कि मुझे इसको जैसे मेरी लाइन है एज इट इज मुझे चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स एंटर फॉर एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड क्या है कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर करने के बाद ये पॉइंट हो गया अलग, ये भी, ये सारी जो लाइन है ये मेरी ब्रेक हो गई, लाइन भी मेरी ब्रेक है।
बट इस कंडीशन में अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी लाइन थी एज इट इज मेरी पॉलीलाइन हो जाए, तो हमने नेक्स्ट कमांड क्या लेनी है, जे एंटर फॉर जॉइन. तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, यानी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. एंटर करने के बाद ये जो लाइन है ये प्रॉपर पॉलीलाइन बन गई, यानी कि आप लाइन को पॉलीलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और जो आपकी पॉलीलाइन है उसको एज अ लाइन भी यूज कर सकते हो. तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट करा, इसको भी मुझे लाइन में ही कन्वर्ट करना है पॉलीलाइन में, तो जे एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. तो ये पॉलीलाइन में ही कन्वर्ट हो गई. अगर सब में मुझे डायमेंशन चाहिए तो हमने डेम कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट. अगर आप यहाँ पे जस्ट टच भी करते हो तो आपके पास प्रॉपर एक्सिस की डायमेंशन आ जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो. इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो. अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे, अदरवाइज आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट से भी आप यहाँ पे इसका यूज इजीली कर सकते हो. तो लाइन और पॉलीलाइन में फर्क ये है कि जो मेरी लाइन है वो बेसिकली अनकनेक्टेड होती है और जो पॉलीलाइन है वो मेरे कनेक्टेड लाइन. कनेक्टेड में क्या होगा कि वन टाइम सिलेक्शन होता है पूरे ऑब्जेक्ट का, बट लाइन में क्या होता है कि हम उसको अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर सकते हैं. जब हम लाइन यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं, ऑर्थो ऑफ करके इस तरीके से बना लिया, अब मैं यहाँ पे पॉलीलाइन बनाती हूँ इस तरीके से. दोनों में फर्क ये कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट हो रहा है, यानी जहां पे मैं क्लिक कर रही हूँ वहां वहां पे ये क्लिक हो रहा है. बट पॉलीलाइन पे क्या है, जस्ट आपने सिंगल क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, सिलेक्टेड हो जाएगी लाइन आपकी. इस तरीके से हम लोग लाइन और पॉलीलाइन का प्रॉपरली यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमने बताया, मैंने जो कमांड बताई थी आपको, एक बताई थी एक्सप्लोड और एक बताई थी ज्वाइन. जैसे मैंने 100 बनाया एंड 50, देन 50. ये तो पॉलीलाइन से बना है. लाइन से अगर मैं बनाती हूँ तो मैंने यहाँ पे 100 लिया, ऊपर गए हम 50, देन यहाँ पे गए 100, देन डाउन जाएंगे 50. स्केप. अब इसमें मुझे इसको एक्सप्लोड करने, यानी अनब्रेक करनी है इसे हमें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्स एंटर फॉर एक्सप्लोड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. अलग अलग हो गया. बट अगर मुझे इस, ये जो लाइन थी मेरी, इसको ज्वाइन करना है, एज अ पॉलीलाइन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जे एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. तो ये लाइन मेरी क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी. इस तरीके से हम लोग इसमें प्रॉपरली बना सकते हैं. एंड मैं शेयर कर दूंगी आपको पीडीएफ वगैरह, जिससे आप अपनी लाइन कमांड के और ज्यादा यूजेस, यानी अपनी जो डिजाइनिंग है वो बना सकते हो आप इस तरीके से इसमें.